कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अंधेरे में डूब रहा है पाकिस्तान और ट्रेनें हो रही है बंद। चीन के वित्त मंत्रालय ने खोल दिया है चीन का पोल। चीन के पास कितनी ताकत बची हुई है आर्थिक, तो वहीं अब चीन को भारत चारों तरफ से घेर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर पर भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तो चीन और पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि दो फटेहाल मजनू एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो सबको दिखी है। उधार की जूती, खैरात का नाड़ा, पर्दे मुल्ला, ब्याह उधारा, जहाँ तहाँ ये कटोरा लेकर भीख मांगने पहुँच जाता है। शहबाज शरीफ लाख कह दे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन हाँ अपने आप को ये प्रूफ जरूर कर देते हैं कि मैं भिखारी हूँ। अब शहबाज शरीफ सरकार एक तो जिनपिंग के सामने हाजिरी लगाने जा रही है। हाजिरी लगाने से पहले पाकिस्तान जिस तरीके से गर्त में डूब रहा है, इसे बचाने के लिए चीन के उसने पैर पकड़ लिए हैं और कहा है कि तुम ही हो जो बचा सकते हो, अब तो हमें बचा लो। आप अमेरिका भी तो अभी मदद कर रहा था, वो कहाँ गया? तो दरअसल पाकिस्तान को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, अमेरिका से भी मदद चाहिए और चीन से भी मदद चाहिए, क्योंकि इसे खुद तो कुछ करना है नहीं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में चीन ने पैसे लगाने के बजाय पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। हमने आपको बताया था नीलम झेलम परियोजना, और कई ऐसी परियोजना है जिसे चीन ने बंद करना शुरू कर दिया है। चीन ने बंद कई वजहों से करना शुरू कर दिया है। एक तो बिजली बिल का बकाया बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से चीनी बिजली कंपनियां ये कह रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं कि सबसे पहले हमारा पैसा चुकाओ, पैसा चुकाओगे तभी हम आगे तुम्हें बिजली देंगे। अब यहाँ बिजली भी बंद हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रेनों का संचालन भी बंद हो जाएगा। एक साल के अंदर पाकिस्तान में रेलवे का जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। 3100 मेगावाट की बिजली परियोजना को भी नुकसान होगा और देश में धीरे धीरे पावर संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान पहुंचा चीन के पास कि आप सीपेक परियोजना शुरू कर दो, जिस सीपेक परियोजना को इस वक्त चीन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पाकिस्तान कह रहा है 18.5 अरब डॉलर की ये परियोजना है, इसे चलाओगे तो हमें वापस से जान आ जाएगी। अब चीन का कहना है कि हम इसे अभी चालू नहीं कर सकते हैं। दो वजह है, एक तो बलूच लगातार हमले कर रहे हैं और इस हमले से तुम्हारी सेना हमें बचा नहीं पा रही है, चीनी लोगों को सीधे सीधे ये निशाना बना रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात ये है कि तुम्हारे देश में राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा है। कौन इस वक्त प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा वो तो तय नहीं ही है। ऊपर से तुम्हारे देश में चल रहा है प्रदर्शन, इमरान खान को तुम लोग रोक नहीं पा रहे हो। अब इमरान खान सत्ता पे आता है कि तुम रहते हो, ये कहना मुश्किल है। राजनीतिक संकट होने की वजह से हम यहाँ पर अभी पैसे नहीं लगाएंगे। आप सोचेंगे लेकिन चीन ने तो दो और नए प्रोजेक्ट का खुलासा किया है और ऐलान किया है। तो ऐलान और फाइनल होने में बहुत अंतर होता है। BRI को भी लेकर चीन ने बड़े बड़े सपने दिखाए, राष्ट्र अध्यक्षों ने बड़े बड़े सपने देख लिए, हमारा तो एयरपोर्ट बन जाएगा, हमारा तो रेलवे बन जाएगा, हमारा देश तो एकदम अमेरिका को पार कर जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये हुई कि कुछ ही सालों के अंदर वो देश गुलाम बन गया। तो कथनी और करनी में फर्क होता है, इसलिए इस दो ऐलान की सीपेक के अलावे हम पाकिस्तान में दो प्रोजेक्ट चलाएंगे, ये तब होगा सही जब पैसे दे देगा चीन पाकिस्तान को, जो फिलहाल देने वाला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि चीन के वित्त मंत्रालय ने ही खोल दी है पूरी पोल पट्टी चीन की, कि चीन में इस वक्त क्या चल रहा है। और जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं आई है, इसलिए इस पर यकीन कर सकते हैं आप। इस बार चीनी वित्त मंत्रालय ने खुद ये रिपोर्ट दी है और ये बता रहा है ये रिपोर्ट कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियाँ देश को गर्त में ले जा रही हैं और उनकी नीतियों की बदौलत दुनिया में चीन की छवि को धक्का जरूर लग गया है, चीन आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन भले ही खुद को दुनिया की एक
बड़ी ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन उसकी अंदरूनी हालत काफी पतली हो चुकी है। चीन में ना एक नियम है और ये नियम उनके बुजुर्गों ने बनाया है कि जब आप कमजोर हो ना तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करो, और जब आप शक्तिशाली हो ना तब अपने आप को बहुत कमजोर दिखाने की कोशिश करो, तब आप जीत जाओगे। इस वक्त अंदरूनी हालात चीन के बेहद खराब है, टूट चुका है चीन, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का राजकोषीय घाटा करीब 1,000 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप सोचेंगे अरे इतना सारा पैसा कमाता है, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की तो उसकी अर्थव्यवस्था है, 1 ट्रिलियन डॉलर कमी हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, बड़ी बात हुई है, बड़ी बात ये हुई है कि ये जो घाटा है ना, ये घाटा एक साल के दौरान में ये देखने को मिला है 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है कि 12 महीने में यह हाल हो गया चीन का, और कारण ढूंढा जा रहा है तो कारण में सीधे दिख रहा है जिनपिंग की नीतियाँ। जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में अभी भी 20 करोड़ लोग घरों पे रह रहे हैं, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आ रही है। अब ऐसे गिरावट के दौर में पाकिस्तान पहुँचा है चीन से मदद मांगने, क्या मदद मिलेगा? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो ये मत सोचिए कि चीन आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है तो उसकी आक्रामक नीतियां बदल रही है। आक्रामक नीतियां नहीं बदल रही है। जिनपिंग ने अपने इलेक्शन से पहले भारत से लगती हुई जो बॉर्डर है वहां से अपने सैनिकों को पीछे किया ताकि उसका इलेक्शन सही तरीके से हो जाए, वहां किसी तरह की कोई समस्या न हो। इलेक्शन भी हो गया और जिनपिंग सत्ता पर कुर्सी पर चढ़ भी गया। अब कुर्सी पर चढ़ने के बाद जिनपिंग ने अपना असली वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और देखा ये जा रहा था कि जिनपिंग ने सीमा पर अब नए तंबू वगैरह अपनी ही तरफ लगाना शुरू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है, और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चीन ने अपने भाषण के दौरान गलवान का वीडियो दिखाया था, गलवान का जिक्र किया था, ये समझ में आ रहा था कि भारत उसके प्रमुख निशाने पे है। हालांकि भारत ये चीज जानता है कि चीन गिरगिट है और गिरगिट की तरह वो रंग बदलता है, इसलिए भारत ने शोर शराबा नहीं किया बल्कि चीन को घेरना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने भले ही जिनपिंग को बधाइयां न दी हो लेकिन बॉर्डर पर स्वागत की तैयारी जरूर कर दी है। अब भारत ने अक्साई चीन के पास में करीब 120 मीटर लंबा ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है, ये ब्रिज बनकर तैयार भी हो गया है, और खास तौर पर ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है, क्लास 70 ब्रिज है, यानी 70 टन के वजन को ये आराम से सह सकता है। साफ मतलब है इस ब्रिज के बनने के बाद भारत को अपना टैंक और साजो सामान बॉर्डर तक पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है, और आपको बता दें इसके साथ बॉर्डर पे 75 ब्रिज, 100 हेलीपैड और कई सड़कों को भी देश को समर्पित। चीन को सीमा पर अब घेर रहा है भारत। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कदम उठा रहा है सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।